अवैध संबंधों की जब भी बात होती है तो ये बात सबसे पहले आती है। ये बात जरूर उठती है कि इन संबंधों में लिप्त किसी व्यक्ति की पहचान कैसे करें। इनमें सबसे पहला है मोबाइल फोन, क्योंकि मोबाइल आज हर किसी की जरूरत बन चुका है, इसलिए ये ऐसा जरिया है जो हर किसी का राज उगल सकता है। यही वजह है कि अवैध संबंध बनाने वाला व्यक्ति सबसे पहले अपने मोबाइल का पासवर्ड बदल देता है, जिससे कि कोई भी उसका फोन अनलॉक ना कर सके। इसकी वजह है कि अवैध संबंध रखने वाले लोग पहले से ही बेहद सतर्क होते हैं। वे अपना हर काम ऐसे करते हैं कि किसी को उनके अफेयर की भनक तक ना हो। पर सवाल ये है कि आखिर वो ऐसे कौन से काम है जो अवैध संबंध में लिप्त होने पर दिखते हैं। यही नहीं, पूछने पर भी वो पासवर्ड शेयर नहीं करते। ये लोग इतने सतर्क होते हैं कि कभी भी अपने फोन को अकेला नहीं छोड़ते, बाथरूम तक ले जाते हैं और कई बार घर के बाहर घंटों बात करते हैं। अवैध संबंध होने पर आपको बिहेवियर पर बदलाव जरूर दिखेगा। अगर आपका पार्टनर आपसे कटा कटा रहने लगा है, यानी कि उसका व्यवहार पहले के जैसा नहीं रह गया है, वह आपको इग्नोर करे, खुद खोया खोया ख्यालों में डूबा रहे, कुछ पूछने पर चिढ़ जाए, अनमने तरीके से जवाब दे, डेली रूटीन में बदलाव आ जाए, फैशन पर या खूबसूरती पर कहीं ज्यादा ध्यान देने लगे, परिवार के लिए फैमिली में रुचि कम होने लगे, शारीरिक संबंधों में भी वैसा एक्साइटमेंट ना हो जैसा कि पहले हुआ करता था। विवाह प्यार और अपनापन का एक पवित्र रिश्ता है। पति और पत्नी के बीच 7 जन्मों का एक अटूट बंधन होता है। दोनों एक दूसरे का साथ देने और आपस में विश्वास की एक ऐसी डोर बांधते हैं जिसे केवल मृत्यु ही जुदा कर सकती है। लेकिन इतने पावन रिश्ते को भी नजर लगती है। पति और पत्नी के इस पवित्र रिश्ते पर भी कई बार दरार पड़ जाती है जब पति और पत्नी के बीच कोई और आ जाता है, और यहीं से शुरू हो जाती है तमाम समस्याएं। फिर नौबत आ जाती है लड़ाई झगड़े और तलाक की। अनिल एक सॉफ्टवेयर कंपनी में कार्यरत है और उसकी शादी कुछ ही दिन पहले निशा से हुई। पहले पहल तो सब ठीक ठाक चला, फिर अनिल का देर से आना शुरू हो गया। पहले तो उसकी बीवी ने यह सब नज़रअंदाज किया, लेकिन फिर एक दिन निशा पर पहाड़ टूट पड़ा। रात को 2:30 बजे अनिल के फोन पर किसी ने SMS भेज दिया जिसमें लिखा था आई लव यू आई मिस यू। इतना पढ़ते ही निशा के होश उड़ गए। अगले दिन निशा ने अपने भाई को यह सब बताया और उसके भाई ने अनिल को रंगे हाथों उसकी प्रेमिका के साथ उसे पकड़ लिया। ऐसा नहीं था कि अनिल की प्रेमिका नहीं जानती थी कि अनिल शादीशुदा है। इसके बाद निशा ने अनिल से तलाक ले लिया और अनिल अकेला रह गया। पाहेतर संबंध अगर सिर्फ भावनात्मक हो तो कोई बात नहीं। आजकल कार्यस्थल पर कुछ एक ऐसे दोस्त मिल जाते हैं जो काफी करीब आ जाते हैं, लेकिन जब यही भावनात्मक संबंध अपनी हदें पार कर देता है, शारीरिक संबंध तक पहुंच जाता है, तब पति पत्नी के बीच एक दीवार बन जाती है जो अगर छुपी रहे तब तक तो ठीक है, वरना शादी से तलाक तक का सफर बहुत दूर नहीं रहता। वीडियो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों की माइंड की कसरत के लिए एक सवाल। मेरी नस नस में मीठा रस, जो भी मेरा नाम बताएगा उसे मिलेंगे ₹10। जवाब जरूर दीजिएगा। सही जवाब देने वालों के नाम मैं हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करती हूँ, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप हमारे कॉन्टेस्ट में भाग लेते हैं, मन के विनर बनते हैं, तो आपको हमारी तरफ से एक शानदार गिफ्ट दिया जाता है, तो कॉन्टेस्ट में भाग जरूर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। विवाह के बाद संबंध के कई कारण होते हैं, जैसे कि पति पत्नी के बीच मनमुटाव, शादी बिना मर्जी के होना, प्रेम प्रसंग आदि। लेकिन सबसे बड़ी वजह होती है दाम्पत्य जीवन में समय की कमी और बाहरी प्रेम प्रसंग। प्यार पर किसी का जोर नहीं होता, यह तो बस हो जाता है। इस हवा के झोंके में बहकर लोग अपने दाम्पत्य जीवन की बलि दे देते हैं। प्रेम प्रसंग के अलावा कार्यस्थल पर अधिक समय बिताना और संबंधों को समय ना देना भी इसके लिए उत्तरदायी होता है। आजकल के परिवेश में सेक्स प्यार का नाम बनता जा रहा है। पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी एक से अधिक सेक्स पार्टनर रखने में रुचि रखती हैं। विवाह के बाद भी किसी दूसरे से संबंध की चाह पति पत्नी के रिश्ते के आड़े आ जाती है। स्थिति इसलिए भी भयावह हो जाती है कि पुरुष चाहे 10 महिलाओं से संबंध बनाए, लेकिन वह कतई यह बर्दाश्त नहीं करता कि उसकी पत्नी किसी गैर मर्द से संबंध बनाए। ऐसे रिश्ते बन तो जल्दी जाते हैं, लेकिन टूटने का जल्दी नाम नहीं लेते, मगर हाँ यह शादी जरूर तुड़वा देते हैं। तलाक की स्थिति पैदा कर ऐसे रिश्ते पारिवारिक संबंधों को ठेस पहुंचाते हैं। तलाक बेशक एक रिश्ता को खत्म करने का आसान तरीका है, लेकिन इसमें पति पत्नी के अलावा और भी कई लोग आहत होते हैं, जैसे कि बच्चे और घर के बूढ़े सदस्य। अक्सर यह सब होते हुए बच्चे भी देखते हैं और बाल मन तो होता ही नाजुक है। इन सब के कारण उनके आने वाले कल पर अवश्य छाप दिखती है। विवाह के बाद संबंध नैतिक मूल्यों के खिलाफ तो है ही, यह मानवीय मूल्यों को भी धराशायी कर देता है। समाज नाम की व्यवस्था पर भी इसका अच्छा खासा असर देखने को मिलता है।
आजकल के फैशन परस्त युवाओं को ऐसे रिश्ते में बहुत आनंद आता है। वह इसे अपनी आजादी के तौर पर देखते हैं, लेकिन एक उम्र सीमा के बाद जब आकर्षण खत्म हो जाता है और शरीर बुढ़ापे की ओर जाने लगता है, फिर अकेलेपन की समझ आती है और साथी का महत्व समझ में आता है। चंद पलों के आवेश में आकर शादी को तलाक में बदल देने वाले आजकल के युवा बुढ़ापे में रोते हैं। आजकल तलाक के बढ़ते मामले इस बात का सबूत है कि समाज में विवाह के बाद संबंध कितनी जोरों से चल रहा है। आज हमारा समाज हवा के झोंके में बह रहा है। हमारे और आपके सभी के घरों में युवा वर्ग है। आप क्या चाहते हैं? क्या विवाह के बाद के संबंधों की दुनिया को आप भी मनुष्य की आज़ादी से जोड़कर देखते हैं? और जो गलती आदमी युवावस्था में करता है और बुढ़ापे में रोता है, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है और अपनी ज़िंदगी नरक होने से बचा सकते हैं। अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में थोड़ा सा समझदारी से काम लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों और ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करें। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में जानना चाहते हो और उसका समाधान भी चाहते हैं, तो आप इन ई बुक्स को परचेस जरूर करें। ई बुक्स को परचेस करने के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, वन टू वन कॉल पर बात करना चाहते हैं, समस्या का समाधान चाहते हैं, तो भी आप इसी दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अगर आप मुझसे लाइव जुड़कर अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे 8:30 मैं फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव आती हूँ, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पर फेसबुक आईडी और यूट्यूब चैनल शो हो रहा है, आप उसे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर ले। लास्ट में अगर वीडियो पसंद आया तो उसे दिल से लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसके साथ ही अगर मेरे वीडियो आपको बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो फेसबुक पर स्टार देके और यूट्यूब पर सुपर थैंक्स देकर हमें सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।